हलवे तो आपने बहुत बार बनाए होंगे और बहुत बार ही खाए भी होंगे, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से आप इस सुपर टेस्टी हलवे की रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई करना फ्रेंड्स, गारंटी से आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। ये हलवा हमारे देश के साथ साथ विदेशों तक भी फेमस है। तो चलिए पंजाब की इस सुपर टेस्टी हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप सूजी। तो देख सकते हैं सूजी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और बहुत ज़्यादा ये मोटी भी नहीं है। आधा कप सूजी से ढेर सारा हलवा बन करके तैयार हो जाता है। आधा कप सूजी से बने इस हलवे को 4 से 5 लोग आराम से खा लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, जिस कटोरी से हमने आधा कप माप कर सूजी ली थी, आधा कप ही डालेंगे इसमें दूध। तो दूध मैंने यहाँ पर उबला हुआ लिया है, एकदम ठंडा दूध लिया है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इस हलवे को सुबह के नाश्ते में बनाना है तो आप इस तरीके से इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दीजिए और सुबह को इस हलवे को बना लीजिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको प्लेट से कवर करके हम साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अगर हलवा बनाने की बहुत जल्दी है आपको, तो आप यहाँ पर हल्का गुनगुना सा दूध भी ले सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में हम आधा कप डाल देंगे घी। जिस कटोरी से मैंने माप कर आधा कप सूजी ली थी, आधा कप दूध लिया था, आधा कप ही लेंगे देसी घी। इस हलवे को बनाने में देसी घी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, और इसका टेस्ट भी बहुत ही शानदार होता है। तो जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें चॉप किए हुए काजू बादाम डाल देंगे। आप अपनी पसंद के यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप पिस्ता ले सकते हैं या फिर चिरौंजी, मतलब कि जो भी आपको हलवे में डालना पसंद हो। हल्का लाइट ब्राउन होने तक अपने काजू बादाम को हम रोस्ट कर लेंगे, और जब ये हल्के से गोल्डन कलर में आने लगे तो इनको हम निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि अपने काजू बादाम को हमें मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है, वरना ये बहुत जल्दी से डार्क कलर में हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है, तो इसको भी एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने बाकी के बचे हुए घी के अंदर इस सूजी को फटाफट से डाल देंगे। इस लाजवाब हलवे का टेस्ट देसी घी से ही आता है। तो देखिए जैसे हमने सूजी को इसके अंदर डाला तो एकदम ये चिपचिपी सी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इसको भूनेंगे तो ये एकदम दानेदार हो जाती है, एकदम खिली खिली हो जाती है। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। कभी आप सोचे कि सूजी को हमने घी के अंदर डाला और ये कैसे चिपकी चिपकी सी हो गई है, कैसी खट्टी हो गई है, लेकिन धीरे धीरे से ये जैसे भूनती जाएगी एकदम अलग अलग हो जाएगी, दानेदार हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब सूजी अच्छे से यहाँ पे हमारी भुन चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। जिस कप से माप कर हमने आधा कप सूजी ली थी, उसी कप से माप कर आधा कप ही चीनी ली है, और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको भी हमें चलाते हुए पका लेना है। आप धीरे धीरे से देखेंगे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। आप इस हलवे के लिए अलग से चाशनी बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर केसर डाल के, ताकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। लेकिन आज इस हलवे को मैं एकदम डिफरेंट तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी अच्छे से घुल गई है, बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 कटोरी भर के पानी। कटोरी मेरी यहाँ पे कप की साइज भी थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए मैं यहाँ पे 3 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। अगर कप से मेजरमेंट कर रहे हैं आप तो 4 कप पानी ऐड करें, जिस कप से आप सूजी या फिर चीनी माप कर ले रहे हैं। तो इसको चलाते हुए हमें पका लेना है। हलवे का कलर बढ़िया आए तो इसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। आप बिना फूड कलर के भी इस हलवे को बना सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस शानदार रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो ये देखिए बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो 1/4 चम्मच मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर को इसके अंदर डाल दिया है, और जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था वो इसमें डाल दिए हैं। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट मैंने इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए बचा कर रख लिए हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे से काफ़ी थिक होने लगा है, और देखने में कितना लाजवाब, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, एकदम मज़ेदार। इस हलवे को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है फ्रेंड्स, न ज़्यादा ही समय लगता है। नॉर्मल जिस तरीके से हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना, तो सेम उतना ही समय आपको इस हलवे को भी बनाने में लगेगा। तो चलिए हलवा रेडी है, इसको हम फटाफट से खाने के लिए सर्व कर लेते हैं।
ऊपर से हमने इस हलवे को थोड़ी सी ड्राई फ्रूट और गुलाब की बारीक कटी हुई पंखुड़ियों से गार्निश किया है ताकि हलवा देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी एकदम रसीला पंजाब का ये फेमस हमारा माखनडे हलवा खाने के लिए एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स मैंने तो इस रेसिपी को भोग के लिए बनाकर तैयार कर लिया है, आप भी ज़रूर से ट्राई करें और कैसी लगी हमारी ये आज की आसान सी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।